एक तो हमने 3 पॉइंट बढ़ाए, 2 पंजाब में, 1 हरियाणा में। हरियाणा में अम्बाला में भी 4 घंटे के लिए कल रेल रोकी जाएगी। उसका मकसद ये है कि पंजाब सरकार किसानों के साथ बदतमीजी ना करे जैसे पहले करे थे। हम हर साल बुराई का प्रतीक रावण का पुतला फूकते हैं दशहरे के दिन, उस दिन हम कारपोरेट का पुतला फूक। अज भी एक जिहड़ा गल की जाए लालूवाड़ी साइड एक प्रोटेस्ट किया गया, रोड जाम कर दिया गया, उसकी कहिंदे लोगों को बड़ी दिक्कत आई, उस चीज़ में कह रहे थे कि किसान इस तरीके ना करन। अगर सरकार बदतमीजी करेगी फिर तो हमने बढ़ना पड़ेगा, वरना हमारा कल 4 बजे प्रोग्राम संपन्न हो जाएगा। पंजाबी लोग चैनल के नाल तुसीं जुड़े हुए हो, मैं तुहाडे नाल जगसीर सिंह। अज फिर 18 किसान जथेबंदियों की जिहड़ी है मीटिंग हुई, उस तो बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिस दे विच पहला प्रोग्राम लीके गए थे कि रेलां रोकनिया ने, अंदोलन जिहड़ा कीता जाणा, जिसकी अगवाई सरवन सिंह पंधेर कर रहे थे। साडे नाल इस वक्त हरियाणा तो सुरेश कौंत जी ने, इन्हां दे नाल गलबात करांगे कि जिहड़े ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਮਾਰੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਹੀ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਕੇ ਵਾਢ ਕੇ ਲੈਕਰ ਕੇ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕੋ ਲੈਕਰ ਕੇ आज की मीटिंग में 2 चीज़ें अलग की गई। एक तो हमने 3 पॉइंट बढ़ाए, 2 पंजाब में, 1 हरियाणा में। हरियाणा में अम्बाला में भी 4 घंटे के लिए कल रेल रोकी जाएगी। उसका मकसद ये है कि पंजाब सरकार किसानों के साथ बदतमीजी ना करे जैसे पहले करे थे, और हरियाणा सरकार भी जाग जाए कि नुकसान अकेला पंजाब में नहीं हुआ है, हरियाणा में भी हुआ है। दूसरा, एक हमने 3 तारीख को जिस तरह हम अजय मिश्रा टैनी का पुतला फूंक रहे हैं, उसी तरह हम हर साल बुराई का प्रतीक रावण का पुतला फूंकते हैं दशहरे के दिन, उस दिन हम कारपोरेट का पुतला फूंकेंगे, क्योंकि कारपोरेट ही सरकार से गलत दिशा दे करके गलत कानून बनवाती है। इसलिए हम 23-24 तारीख को कारपोरेट के खिलाफ भी पुतला फूकेंगे। गल की है पुतले फूके जाने हैं, तो अज भी एक जिहड़ा गल की जाए लालूवाड़ी साइड एक प्रोटेस्ट किया गया, रोड जाम कर दिया गया, उसकी कहिंदे लोगों को बड़ी दिक्कत आई, उस चीज़ में कह रहे थे कि किसान इस तरीके ना करन, उस चीज़ में किवें देखते हो कि जिहड़ा अगले आने वाले तुहाडे प्रोटेस्ट ने उस नाल दिक्कत आएगी? रेलवे रोकोगे, रेलां रोकोगे, माल गड्डियां होणगियां जां सवारियां वाली होणगियां? देखिए, वो एक अचानक पैदा हुई घटना है जो आप लालूवाड़ी की बात कर रहे हो, हम तो पूरे गग्गर प्लान की बात कर रहे हैं कि पूरे गग्गर में जहाँ पर भी दिखते हैं वहाँ बांध बांधे जाएं। मगर ये थोड़े एरिए का पंजाब के अंदर ये क्षेत्र है गग्गर का, ये इन साथियों की डिमांड वो है, वो उसी क्षेत्र के किसानों की बात कर रहे हैं, उसी क्षेत्र की। हमारा रोड रोकने का प्रोग्राम नहीं था, उनकी मांग से हम सहमत नहीं, मगर रोड का हमें पता भी नहीं था कि वो रोड रोकेंगे। हमारा रेलवे का हमने पहले घोषित कर रखा था, और वो भी हमने घोषित कर रखा 3 दिन का ही है। हाँ, अगर सरकार बदतमीजी करेगी फिर तो हमने बढ़ना पड़ेगा, वरना हमारा कल 4 बजे प्रोग्राम संपन्न हो जाएगा। जो रोड की बात है, रोड का हमारा एक्शन नहीं था, वो अचानक पैदा हुई घटना। कई बार परिस्थितियाँ भी पैदा कर देती है ना, तो परिस्थितियों के अनुसार पैदा हुई घटना। एरिया होएगा खास तौर पर पंजाब का ही होएगा जां हरियाणा का भी, इस दे विच चुनाया जाएगा कि उत्थे भी रेलां रुकियां जाने? ये पहला चरण हमारा सिर्फ पंजाब में ही था, अम्बाला में तो हमने सिर्फ हरियाणा सरकार को एक मैसेज ये दिया है कि अकेला बाढ़ का नुकसान पंजाब में नहीं, हरियाणा में भी है, इसलिए हम 1 पॉइंट अम्बाला में खोलने जा रहे हैं। कोई अल्टीमेटम दे रहे हो सरकार नूं कि मंगा मान लो ये जिहड़े प्रोग्राम में कैंसिल हो जाए? हम ये हरियाणा सरकार से या भारत सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह के मामले हमने क्यों करने पड़े, इस पर सोचो। हम 1-1 महीने पहले PC करते हैं, ज्ञापन देते हैं, तभी बुलाओ। अब हम मांग कर रहे हैं मोदी जी से, मीटिंग बुलाते हैं DGP पंजाब, कौन सा तरीका है यार? हमारे को मूर्ख तो ना समझो, नहीं आए तो हमारे ऊपर ही ब्लेम लगाते हैं कि ये बात नहीं करना चाहते, ये अड़ियल लोग हैं, इनका मकसद सिर्फ लड़ना ही है।
सच्चाई है कि सरकार हमारे साथ बात नहीं करना चाहती, मुद्दे हल नहीं करना चाहती। बहुत शुक्रिया। तो सुरेश कौन जी साढ़े नाल सके BKMU तो असी गलबात की है, तो इन्हों का कहना कि साढ़े प्रोग्राम पहला वर्गी जोड़े लीक हुए हैं, जिस तरीके असी रेलों रोकनिया प्रोग्राम लीक हुए हैं, उन्होंने होर चीज़ें ऐड कर दती ने, जिमें कि असी पुतले फूकने ने, तो असी पंजाब दे विच ही नहीं हरियाणा दे विच भी जिहड़ियां पुतले फूकांगे रेलगड्डियां रोकांगे। जे एक एक महीना पहला असी ये चीज़ां कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया दे नाल गलबात कर रहे हैं, सरकार एट ए टाइम ते आ कि ना ये चीज़ कहे, तो उन्होंने दिनों की तस्वीर होंगी वो भी देखना होगा। विचार जो सांझे करो कैमरा सहयोग दे शिवा, धन्यवाद।